अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर हब। तो आज हम हाजिर हुए हैं कैसे स्कैल्पिंग इंडिकेटर के साथ, जिसको हम आज लाइव टेस्ट करेंगे, लाइव प्रॉफिट लेंगे, स्टेप इंडेक्स पे ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए हमने मुनाफा कैसे लेना है, इंडिकेटर को कैसे इसकी सेटिंग लगानी है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको कम्प्लीट गाइड करेंगे इस इंडिकेटर के बारे में कि इसको इस्तेमाल करते हुए हमने कैसे अपने अकाउंट को ग्रो करना है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस इंडिकेटर को समझना, अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप इस इंडिकेटर को समझ नहीं पाएंगे कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, इसकी सेटिंग क्या है, ये कैसे हमने इसको देख के एंट्री लेनी है। जैसा कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये लाइव आपके सामने एंट्री ली गई है, ठीक है, और ये प्रॉफिट में जाएंगे, आपके सामने ये सब कुछ होगा। इस इंडिकेटर को हम इस्तेमाल करेंगे, इसी इंडिकेटर से हमें ये प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत से इंडिकेटर्स वगैरह, लैपटॉप के इंडिकेटर्स वगैरह फ्री में लेके आने वाला हूँ, टेम्पलेट्स, एक्सपर्ट एडवाइज़र फ्री में लेके आने वाला हूँ। बहुत जल्द जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी वो इन्हीं टॉपिक के बारे में होंगी, आपको उनकी सेटिंग बताई जाएगी, आपको ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे ये चीज़ें एक्सपर्ट एडवाइज़र जो लैपटॉप के इंडिकेटर्स वगैरह उनकी फ़ीस होती है, वो लोग चार्जेस लेते हैं इंडिकेटर्स वगैरह सेल करते हैं, तो वही सब कुछ चीज़ें, उनसे अच्छी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं। क्योंकि फर्स्ट पहले ये है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेंगी तो आप इस चीज़ से महरूम रहेंगे, ठीक है। तो नंबर दो, हम इसमें इस इंडिकेटर में दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसको हम कैसे अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे, और किस तरह ये हमें प्रॉफिट देता है, और क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कैसे ये काम करेगा। तो ये देखिएगा कि आपके सामने ये ट्रेड ली गई हैं। और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि डेरिव, ये सिर्फ डेरिव पे काम करेगा और किसी जो करेंसी पेर पे काम नहीं करेगा, सिर्फ डेरिव के जो हैं वोलेटिलिटी, 70 इंडेक्स, 75 इंडेक्स, जंप इंडेक्स, ये उन पे ही काम करेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको करेंसी पेयर पे यूज़ करना चाहेंगे तो वहाँ ये काम नहीं करेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि वहाँ ये काम नहीं करेगा। और डेरिव एक ऐसी मार्केट है जो कि अफिलिएट मार्केट होती है, मतलब ये है कि आर्टिफिशियल मार्केट होती है, ये उनकी खुद की बनाई हुई मार्केट है। पहले तो हमें इसको समझना है, अगर हम डेरिव के टर्म्स एंड कंडीशन, इनके रूल समझ लेते हैं ना, तो डेरिव पे हमें कभी भी लॉस ना हो, कभी भी लॉस होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें डेरिव के टर्म्स एंड कंडीशन का नहीं पता। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल मार्केट है, इनकी खुद की बनाई हुई मार्केट है, तो ये कैसे काम करती है। ये आधी इस मार्केट को हम लोग चला रहे होते हैं, आधी ये वो लोग चला रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि इसमें जो अक्सर लोगों के ना स्टॉप लॉस वगैरह हिट होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। ट्रेंड वही होता है, अगर आपने बाय किया है तो बाय का नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो वो क्या, ये मार्केट क्या करती है कि बाय नीचे बाय ही होती है, बाय ही निकलती है, लेकिन आपके स्टॉप लॉस हिट करवा के। तो ये देख लें कि ये वही ट्रेड लगी हुई है जो कि मेरी प्रॉफिट में जा रही हैं, मैंने अपना बैटर साइड किया। तो ये देख लें आप कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ हम आगे इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तरह हम एक अपने छोटे अकाउंट को किस तरह ग्रो कर सकते हैं। और ये मूवमेंट क्रैश पे भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी मूवमेंट क्रैश पे भी होगी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, कि वहाँ कैसे काम करती है। हम पूरा कोर्स मूवमेंट क्रैश का जो आर्टिफिशियल है कोर्स, वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये वहाँ कैसे काम करता है, वहाँ हमने कौन से टर्म्स एंड कंडीशन अपनाने हैं। तो ये नीचे देखिएगा कि ये वही चीज़ें हैं सेम जो पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें भी ऐड हैं। तो ये देख लें कि ये नीचे इसने लाइन 15 को क्रॉस किया है, सॉरी लाइन 10 को टच हुई है, वेट वाली लाइन को, तो क्रॉस कर दिया लाइन 15 को। तो हमने क्या किया है, बाय की ट्रेड ले ली है, आपके सामने ली है। तो हम अब आपको बताते हैं कि इसकी सेटिंग्स क्या है और ये काम कैसे करता है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के एंड तक। तो देखते हैं आप जी, तो ये देख सकते हैं आप कि वही ट्रेड है जो मैंने आपके सामने ली थी। लेकिन सबसे पहले हमारा जो अकाउंट है, हमने अपने अकाउंट के हिसाब से देखना है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सपोर्ट टीपी को टच हो गया, तो पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं। नीचे इसने दो सिचुएशन क्रिएट की है, मैं दोनों आपको दिखाऊंगा। एक नंबर वन ये हुआ है,
नंबर टू ये हुआ। हम क्या करेंगे कि इसको पहले क्लोज कर देते हैं, जो जो ट्रेड ली गई है इनको पहले हम क्लोज़ कर देते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि ये इंडिकेटर काम कैसे करता है, एंट्री हमने कैसे लेनी है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी तो जैसा कि हमने सब ट्रेड क्लोज़ कर दी हैं, तो ये ट्रेड मैंने कैसे ली हैं, हमारी एंट्री इसी इंडिकेटर को देख के कैसे बनती है, मैंने ये एंट्री क्यों क्लोज़ की है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बहुत से इंडिकेटर लेके आने वाला हूँ, बहुत से इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ। मोबाइल इंडिकेटर हैं इसमें, लैपटॉप के इंडिकेटर हैं, टेम्पलेट्स हैं, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। तो हम इस चैनल पे वही इंडिकेटर लेके आते हैं जिनको हम लाइव टेस्ट करते हैं, लाइव प्रॉफिट लेते हैं। अदरवाइज कोई इंडिकेटर काम नहीं करता तो हम अपने चैनल पे नहीं लेके आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम अपने इस इंडिकेटर को डिस्कस करते हैं कि इसको देख के हम एंट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपने जो ग्राफ है ना, इसका हम कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं। तो हम इसके ऊपर जब आप डबल प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने एक सेटिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये सेटिंग यहाँ हम क्लिक करेंगे तो कलर्स में आ जाएंगे। कलर्स में आएंगे ना तो ये देखें कि स्कीम पे हमने कस्टम रख देना है, ठीक है, कस्टम कर देना है। ये फोरग्राउंड पे हमने हमेशा रेड रखना है। ये वो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ जो प्राइस वगैरह शो हो रही होती है कि ये वो बता रहा है कि यहाँ आपको रेड कलर में शो होगी। ग्रिड हमने जो ग्राफ का कलर होता है इसको हम ग्रिड बोलते हैं। ये हमने जो लाइनें आपको नज़र आ रही होती हैं वो हमने हाइड रखनी है, हाइड करनी है, इसलिए हमने ब्लैक रख दिया है। बार अप हमेशा ग्रीन होता है, बार डाउन हमेशा रेड होता है। बुल आपको पता है कि ग्रीन को कहते हैं और बियर आपको पता है कि रेड को कहते हैं। तो ऐसे हमने जस्ट सिंपल सेटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि मैंने ये एंट्री क्यों ली है और किस बिना पे ये एंट्री ली है। नंबर वन ये गौर करना है आपने कि नीचे देखिएगा ये इंडिकेटर्स जस्ट सेटिंग वही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं जो कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था, उनके बारे में भी बताना बहुत ज़रूरी था कि ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे काम नहीं करती। तो हम इसीलिए ये चीज़ें सेम रखते हैं। ये जो है जो इनकी जो प्राइसेस हैं, जो हमने लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, ये हर इंडिकेटर में सेम ही होगी। जो दरमियान वाला इंडिकेटर होगा वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो ये देखिएगा कि आप यहाँ इसने मार्केट स्टेप इंडेक्स ने क्या किया है कि ऊपर से आई है, ये नीचे जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही होगी पहले इसको टच हुई है, मतलब ये हमारा 10 वेट वाला एरिया इसको टच हुई है, ठीक है। तो जैसे ही टच हुई है तो फिर साथ क्या इसके मोमेंट आई है कि ये देखो नीचे छोटे छोटे डॉट बनना शुरू हो गए, ठीक है, डॉट बन रहे हैं, डॉट बनना शुरू हो गए। तो ये देखें तो ये हमारी इस तरह एक कन्फर्मेशन हमारी ये डॉटेड हो गई, मतलब डॉट से हमारी एक कन्फर्मेशन होगी, एक मिनट, एक कन्फर्मेशन ये होगी। दूसरी कन्फर्मेशन ये कि इसने कन्फर्म एंट्री को क्रॉस किया है इस इंडिकेटर ने, ये टू हो गया हमारे पास। दूसरा ये और कीजिएगा चार्ट पे, ये देखिएगा कि ये जो वाइट लाइन नज़र आ रही है ना आपको, इसने क्या किया है कि मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, इसने क्या किया है कि इन लाइनों को क्रॉस कर दिया है। पहले ये लाइन आ रही थी ऐसे ऐसे, ये मूविंग एवरेज जा रहा था, फिर क्या हुआ ये देखें आप कि इसके नीचे मार्केट के नीचे नीचे जा रहा है, ये मार्केट के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हमारी ये एक दो तीन ये फोर एंट्री होगी, ठीक है, मतलब तीन से चार एंट्री मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके अलावा ये देखिएगा आप, ये बहुत अच्छे से काम करता है, ये आपके सामने लाइव में टेस्ट कर चुका हूँ, ठीक है। तो और भी ये देखें आप, ये यहाँ देख लीजिएगा कि ये यहाँ आ रही है और ये यहाँ आ रही है, ऐसे ही इसने क्रॉस किया है नीचे, ये स्टार बनना शुरू हो गया नीचे, डॉटेड लगाना इसने शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये मोमेंट चेंज करने वाला है, ये बाय के लिए निकलने वाला है, ठीक है। तो ये फिर यहाँ से बाय हो गया, हम आके बंद करके भी यहाँ बाय कर सकते हैं। अदरवाइज कन्फर्मेशन दो तीन जब कन्फर्मेशन मिल जाए तो आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं, लगा सकते हैं ट्रेड। अब फ़र्ज़ किया यहाँ मैंने तो अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, मार्केट क्या कर सकती, क्योंकि ये लाइन देखिएगा ज़रा, ये वाली लाइन,
यहाँ से देखिएगा कि इसने क्या किया है। पहले ये ट्रेंड के ऊपर चल रही थी, मतलब ये देखिए ट्रेंड ट्रेंड बना हुआ है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ की सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकती है, यहाँ यहाँ इसने ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है। अभी 50-50 चांसेस हैं मार्केट के, या तो ऊपर निकल सकती है या तो नीचे निकल सकती है। अभी यहाँ हम रिस्क नहीं ले सकते, आप एक बार जहन नशीन कर लें कि ये यहाँ 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 हमने ट्रेड लेने से गुरेज करना है। अगर कन्फर्म एंट्री हमारे ऊपर भी बन जाए, नीचे भी बन जाए, दो तीन कन्फर्मेशन मिल जाए, तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम यहाँ नहीं लेंगे ट्रेड। हम हमेशा जो डेरिव पे कन्फर्म एंट्री लेंगे, क्योंकि डेरिव बहुत फ्लक्चुएट मार्केट है, यहाँ हमारे जो लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपकी जो इक्विटी है वो थोड़ी है और आप स्टेप इंडेक्स पे काम करना चाहते हैं, तो आप एक से ज़्यादा एंट्री नहीं लें। अदरवाइज जब स्टेप इंडेक्स फ्लक्चुएट होती है, तो ना ये किसी ट्रेंड को देखती है, ना ये किसी सपोर्ट को देखती है, ना ये किसी ग्राफ को देखती है। अगर ये बाय के लिए निकलती है तो फिर बाय होती रहती है, अगर ये सेल के लिए निकले तो फिर सेल होती रहती है। ये ट्रेंड को बहुत कम फॉलो करती है, ये डेरिव मार्केट है। इसकी भी हम आगे वजाहत करेंगे कि ये ऐसा क्यों करती है, डेरिव किस बिना पे ये ऐसा करती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इसकी सेटिंग बताएंगे कि ये कैसे काम करता है। इसके अलावा हम और पेयर देख लेते हैं कि और पेयर पे मूवमेंट क्रैश के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा हम वोलेटिलिटी 75 पे देखते हैं। थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, स्लो चल रहा है, तो ये देखिएगा। अब ये लाइन जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिएगा कि ये लाइन पहले क्या ही किया है इसने, ये ऊपर ऊपर हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, मतलब इसने इस लाइन को क्रॉस किया। इस लाइन का ब्रेकआउट सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं, इस लाइन का ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ से भी नीचे इंडिकेटर से भी ऊपर गई, तो फिर क्या हुआ, इस मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, इस लाइन को टच किया, ठीक है, इस लाइन को टच किया, ये ऊपर ऊपर देखें आप, नीचे भी देखें, इस लाइन को टच किया, तो फिर क्या हुआ, वेट वाली जो लाइन इसको भी क्रॉस कर दिया। हमने एक कन्फर्मेशन ये मिल गई, हमें दूसरी कन्फर्मेशन ये मिल गई कि इसने मार्केट को दोबारा से फिर से ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ से फिर हमारा जो था ब्रेकआउट हो गया, इस जगह से लाइन कैंडल ने फिर इसको ना क्रॉस कर दिया है यहाँ से। तो हम एक एंट्री ये बन रही थी, दूसरी एंट्री हमारे पास ये हो गई, ठीक है, दूसरी एंट्री ये होगी कि इसने ब्रेकआउट कर दिया है, क्योंकि ये देख लें आप, ये लाइन अब ऐसे हो गई है। तो इसके अलावा हमने ये देखना है कि थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप इसमें ड्रा कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत तो नहीं पड़ती इसमें ड्रा करने की, लेकिन फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अकाउंट को वॉश होने से बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अब ये वोलेटिलिटी 75 इंडेक्स सेल हो रही है, ठीक है, लेकिन हमने इस वीडियो में सेल नहीं लगानी। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे मुमकिन नहीं हो सकता। तो इसके अलावा और हम देख लेते हैं एच वोल्ट स्टेप इंडेक्स को दोबारा देख लेते हैं। देखिएगा कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ मैं होल्ड भी रख सकता था, लेकिन मैंने अपने अकाउंट की सेफ्टी के लिए ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, जस्ट कंफर्म रिस्क लिया है, ठीक है। यहाँ वैसे तो इंडिकेटर भी मुझे बाय का दे रहा था, बाय का सिग्नल दे रहा था कि बाय होगा यहाँ से, लेकिन मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। तो आप भी गुरेज कीजिएगा कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। आप ये देखिए कि मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है, पहले ये एक ट्रेंड था, ये देख रहे हैं आप, ये ट्रेंड यहाँ लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, ब्रेकआउट हुआ है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ जाएगी, मैं एक मिनट इसको एक दोबारा करता हूँ कि मार्केट क्या करेगी, ये देखें यहाँ हमारी जो ठीक हुई ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट क्या करेगी कि ऊपर जा रही है, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर के लिए निकलेगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर होता है या कोई भी मार्केट होती है, वो एकदम से ना तो बाहर निकलती है ना तो सेल होती है, वो थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करती हाई लो बना के, लो हाई बना के, तब मार्केट ऊपर के लिए निकलती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो था इस इंडिकेटर का, ये बेसिक था, ये वैसे अगर हमने इसको फुल जूम आउट रखना है, जूम इन करेंगे ना, तो ये हमें हमारे सामने ऐसा शो होगा, लेकिन नहीं, इसकी हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, ये कैसे काम कर रहा है, तो हमें ये समझ नहीं आएगी ऐसे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये सिर्फ स्टेप इंडेक्स के लिए है,
सॉरी डेरिव के लिए। इसके अलावा ये करेंसी पेयर पे वर्क नहीं करेगा, करेंसी पेयर पे वर्क नहीं करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि वहाँ ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ डेरिव के लिए बना हुआ है, डेरिव के लिए बनाया गया है, तो हम इसको डेरिव पे ही इस्तेमाल करेंगे। मुख्तलिफ पेयर्स पे आने वाली वीडियो में मुख्तलिफ पेयर पे इनको टेस्ट करेंगे कि ये बाकी करेंसी पे कैसे काम करता है। तो आगे हम चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडिकेटर का। जैसे कि मैंने बताया था ना कि ये थोड़ा सा नीचे हो के यहाँ तक हो के फिर निकलेगा, ऐसे एकदम से नहीं निकलेगा। तो ये देख रहे हैं आप, आपके सामने ये सेल हो रहा है। तो आगे हम चलते हैं इंडिकेटर की तरफ, सेटिंग की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट मूविंग एवरेज मेन चार्ट पे जाना है, फर्स्ट मूविंग एवरेज ओपन कर लेना। पहला पीरियड जो है वो 5 रखना है, शिफ्ट वो 0 रखनी है, मेथड सिंपल अप्लाइड टू लो, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर वाइट, कलर का ध्यान रखना है, कलर वाइट रखना है। इसके अलावा जो है वो बन रहा है सेकेंड मूविंग एवरेज। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, या वीडियो पॉज करके भी इसको लगा सकते हैं इस सेटिंग को। अगर समझ नहीं आ रही तो आप इसकी जो मोशन है वो स्लो कर सकते हैं, इसकी स्पीड वगैरह तब भी आप लगा सकते हैं। मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि आपको ऐसा ऐसा गाइड करूँ, ऐसा ऐसा बताऊँ। तो ये देखिएगा पीरियड जो है 90 है, शिफ्ट 30 है, मेथड जो है सिंपल अप्लाइड टू लो, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर का आपने ध्यान रखना है। कलर पहले आप इसको अच्छे से ग्रिप कर लिया करें, जो भी इंडिकेटर होता है इसको अच्छे से ग्रिप कर लिया करें, इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के कलर वगैरह लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, फिर आगे जो है इंडिकेटर विंडो 1 में आपने जाना है, इसमें आपने वॉल्यूम को सिलेक्ट कर लेना है। वॉल्यूम का जो है हमने वॉल्यूम टिक रखना है, ठीक है, टिक रियल नहीं करना, टिक रखना है। लाइन विड्थ जो है वो 4 पिक्सल रखनी है, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ज़रा बड़ा बड़ी बड़ी लाइनें दिखें। वॉल्यूम अप भी हमने यही रखा है, वॉल्यूम डाउन भी हमने एक ही सेम कलर रखा है, क्योंकि इससे हमारे जो इंडिकेटर है ना उसकी ज़रा खूबसूरती बढ़ती है। ये डन हो गया। इसके बाद ब्लिंजर बैंड्स, ये ओल्ड सेटिंग है, इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ये पीरियड जो है वो 10, डेविएशन 1.000 है, शिफ्ट -5, अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर रेड, रेड रखा है मैंने, आपने भी रेड रखना है। इसके बाद जो लेवल्स इसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो, अच्छा, फर्स्ट 5 जो है ना वो +0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। फिर आगे जो नेक्स्ट 5 है ना वो माइनस में आएंगे, जैसे कि -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5। कलर जो है वो 4 पिक्सल, स्टाइल 4 पिक्सल, कलर ब्लैक। इसके बाद ये लगाने के बाद RSI लगाना है, हमने इसके लेवल क्रिएट करने हैं कि कौन सा लेवल कहाँ लगाना है, उस पर क्या लिखना है, क्या अपने अपनी निशानदेही के लिए, अपने आप के लिए, मतलब हमें अक्सर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, ये हम अपने आप को गाइड कर रहे होते हैं इस इंडिकेटर के ज़रिए कि यहाँ हमारी एंट्री बन सकती है या नहीं बन सकती, ठीक है। तो ये पीरियड हमने 11 अप्लाई टू क्लोज, स्टाइल 3 पिक्सल, कलर ये आपके सामने चेंज है। आगे लेवल्स है, आपने वेट को हमेशा 10 रखना है, ठीक है, और 90 को भी वेट रखना है। आगे 50 को हमेशा हम TP रखते हैं, हमेशा आप भी ऐसा ही रखना है। 30 स्पोर्ट TP, ये वो स्पोर्ट TP हमने इसलिए यहाँ रखा है क्योंकि मार्केट जो है ना 30 के एरिया पे और 70 के एरिया पे बहुत फ्लैक्चुएट होती है, आपने अक्सर देखा होगा, क्योंकि वो इस वजह से होती है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर होते हैं जो H1 H4 पे यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ मार्केट बहुत ये इन एरिया पे आके फ्लैक्चुएट होती है। और हाँ, एक और बात, अगर हमारी इक्विटी थोड़ी है, हमें एंट्री तो मिल गई है, हमारी इक्विटी थोड़ी है, तो हमने क्या करना है, हमें 30 या 70 को TP रख लेना है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग के चक्कर में पड़ेंगे तो हो सकता है वो 30 से टच होकर दोबारा नीचे आ जाए, दोबारा वो कन्फर्म एंट्री तक आ जाए, ये भी हो सकता है मार्केट में, ऐसा होता है। तो ये देख लीजिएगा कि वेट 10, वेट 90, TP 50 है, स्पोर्ट TP 30 है, रेजिस्टेंस TP 70 है, कन्फर्म एंट्री हमारी 15 है, कन्फर्म एंट्री दोबारा हमारी 85, ये ऊपर जो है 85, नीचे जो 15 है, ठीक है, ये डन हो गया। इसके बाद इन्वॉल्व्स, इसको हम देख लेते हैं। पीरियड 40 है, शिफ्ट हमारा जो है शिफ्ट 0 है, तो डेविएशन हमारी हमेशा 40 पॉइंट 100, मेथड सिंपल अप्लाई टू क्लोज, अपर बैंड मतलब ये होता है कि ऊपर वाला कलर, ऊपर वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही थी ये वो लाइन है,
इसमें हम रखेंगे इंडिकेटर के ऊपर वाली लाइन, ये कलर रख देंगे। लोअर बैंड पे हम 4 पिक्सल करके ग्रीन रख देंगे, ठीक है। तो मैं आगे आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये इंडिकेटर कौन कौन से हैं, आपको समझ ज़्यादा लग जाएगी। इसके अलावा जो है पैराबोलिक सार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हैं हमारे इंडिकेटर का। स्टेप जो है वो 0.005 मैक्सिमम हमने 0.05 लेना है। स्टाइल जो है 4 पिक्सल लेना है और लेवल्स, इसका कोई लेवल्स नहीं है। ये इंडिकेटर की सेटिंग है, सिंपल सी सेटिंग है। इसके अलावा मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ कि ये हमारे जो हैं, देख रहे हैं ना नीचे आ रहा है, मैं बता चुका हूँ पहले। ये देखिएगा कि ये जो लाइनें नज़र आ रही है ना आपको, ये नीचे ये लाइन, ये मार्केट इन लाइन को टच ज़रूर करती है जब ट्रेंड में जाएगी, और इन लाइनों को क्रॉस नहीं कर सकती। अक्सर आपने इंडिकेटर देखे होंगे कि वो क्या होते हैं कि वो ऐसे ऐसे जाते हैं जाते हैं, तो 90 के एरिया को भी क्रॉस कर लेते, ऊपर निकल जाते हैं, फुल मतलब जोन में चले जाते हैं, सेल जोन या बाय जोन या ओवरबॉट में चले जाते हैं। फिर हम ओवरबॉट लिख देते हैं कि ज़्यादा सेल हो गए या ज़्यादा बायर घुस गए तो वो ऊपर चली जाती हैं। तो हमें हमारे हमें जो इंट्री के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, एंट्री मिलने के चांसेस नहीं होते। तो ये क्या करता है, इस इंडिकेटर में ये एक खसूसियत है कि मार्केट इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। आएगी यहाँ से, टच होगी, 1-2 मिनट रुकेगी यहाँ, कुछ टाइम भी ले सकती है, लेकिन निकलेगी ये ऊपर ही। और आपने एंट्री तब लेनी है जब ये 15 को क्रॉस करे, ठीक है। जो हमारा जो ये आपको जो नज़र आ रहा है ना ऑरेंज कलर, ये हमारा है वॉल्यूम। जो ब्लिंजर बैंड इस्तेमाल हुआ है वो ये है, जो आपको वाइट लाइन नज़र आ, सॉरी ये वाली लाइन जो नज़र आ रही है ना, ये ब्लिंजर बैंड है। ये जो स्टार नज़र आ रहे हैं जो डॉटेड, ये हमारा पैराबोलिक स्टार है। और जो लाइन नीचे और ऊपर आ रही है ये इन्वॉल्व्स की लाइन है। ऊपर जो जो है ये है मूविंग एवरेज, ये दो जो मूविंग एवरेज हमने लगाएंगे वो वाले हैं। तो इसको अच्छे से पहले आप डेमो पे लगाइएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप डेमो पे लगाइएगा। और एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है, आप में से अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये डेमो दिखा रहा है या रियल दिखा रहा है। यार आपका इससे कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे डेमो दिखाऊँ या रियल दिखाऊँ, आपको मेरा काम जैसे आपको ये इंडिकेटर की सेटिंग बताना है और ये इंडिकेटर कैसे काम करता है ये दिखाना है। अदरवाइज ये इंडिकेटर डेमो पे काम करे या रियल पे काम करे, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। जस्ट आप इंडिकेटर पकड़ें, लगाएं, देखें, चिल मारें बस। तो ये है, ये बस इसकी इंडिकेटर की सेटिंग है। तो मैं ज़्यादा चाहूँगा, उम्मीद है कि आपको इस इंडिकेटर की समझ लग गई होगी। अगर इंडिकेटर की समझ नहीं लग रही या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ पूछ सकते हैं, कुछ भी मालूमात मुझसे ले सकते हैं जिसकी आपको समझ ना आ रही हो। तो जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे हर रोज़ नए इंडिकेटर्स लेके आता हूँ इस चैनल पे, उनकी सेटिंग्स लेके आता हूँ, उनको हम लाइव टेस्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।